Assalamualaikum, मैं हूं नाइम तैमूर आसिफ सती एंड यू वाचिंग फोन वर लाइव। आज हम बात करेंगे कुछ मार्केट ट्रेंड्स पे और कुछ एंड यूजर बिहेवियर पे कि लोग किस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और मुख्तलिफ तबकों से जो लोग ताल्लुक रखते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के जो लोग हैं वो किस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं डिफरेंट जो फोन हैं उनको खरीदते हुए। इसी चीज़ पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मोहम्मद रिजवान को, ही CEO ऑफ आवाज़ कम्युनिकेशन। वेलकम टू द शो सर। और पहले तो ये बताइएगा जनरली के वट इज़ अ जनरल ट्रेंड आजकल पाकिस्तान में लोग फोन खरीदते हुए किस चीज को मद्देनजर रखते हैं? हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो मोबाइल्स बिक रहे हैं वो तकरीबन ब्रांड्स और नॉन ब्रांड्स दोनों ही चल रहे हैं। अब इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं कि मतलब जो हमारी यंग जनरेशन हैं वो मोस्टली ब्रांड कॉन्शियस होती है और स्पेक्स कॉन्शियस होती है। इसमें ब्रांड कॉन्शियस में हमारे पास सैमसंग आ जाता है, हवावे आ जाता है, नोकिया आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है। इसमें बेशुमार ब्रांड्स हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं और इसी वाले से इसमें बेशुमार मोबाइल आते हैं जो मोस्टली अट्रैक्ट करते हैं हमारे यंग जनरेशंस को। सर, लेटर इन द प्रोग्राम वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट ब्रांड लॉयल्टी, लेकिन अभी अगर आप कुछ सरसरी निगाह डालें मार्केट पे कि लोग किस तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एज ग्रुप्स में, इकोनॉमिकल क्लास में, ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं, किस तरह के लोग हैं जनरली जो जिनकी मांग है स्पेसिफिक तरह के मोबाइल की? हम इसमें कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं, सबसे अपर से लेते हैं नीचे तक। उसमें ये होता है कि अगर हम देखा जाए अगर 60+ या 50+ अगर हमारे पास कस्टमर्स आते हैं तो हमेशा वो यही डिमांड करते हैं जी हमें डिस्प्ले बड़ा चाहिए और ब्रांड हमें नहीं चाहिए, डिस्प्ले बड़ा हो, फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो ताकि हम उसको देख सकें। एक तो ये एज फैक्टर, इसको एज फैक्टर हम इसको डिवाइड करेंगे। यंग जनरेशन जो है जितनी भी है या पढ़ी लिखी जो हमारी आवाम है, जो एलीट क्लास है, मोस्टली वो मैंने बताया कि फोकस करते हैं ब्रांड कॉन्शियस के और स्पेक्स कॉन्शियस। हमेशा ये वो लोग हैं कि जो अपने मोबाइल्स को कोशिश करते हैं कि वो मोबाइल रखें जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हों। हम पाकिस्तान की बात करें और ओवरऑल पाकिस्तान के सिनेरियो भी देख रहे हैं तो कुछ लोकल ब्रांड्स के बारे में बताइएगा। सैमसंग और आईफोन वगैरह तो हवावे हैं, लेकिन जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं जैसे क्यू मोबाइल और इसी तरह की काफ़ी हैं, उनके बारे में बताइएगा कि उनकी डिमांड कैसी है मार्केट में? अगर हम देखा जाए लो एंड में, लो एंड प्राइस में, अच्छे स्पेक्स में, साइड एरिया में या हमारे लाहौर कराची में, इसमें मोबाइल जो एवरेज बिकते हैं वो रिवो है, हायर है, कॉलमी है, जी राइट, और इसके अलावा ये जो शॉमी एक नया एडिशन है, शॉमी है, इनफिनिक्स आ रहा है, ओप्पो आ चुका है, और इसके अलावा बेशुमार और ब्रांड्स हैं कि ये जो है ये मतलब एक अच्छा अपनी मार्केट स्टेबल कर रहे हैं। सर, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो जो जवान नौजवान लड़के और लड़कियां हैं उनकी किस तरह की मांग है मार्केट में फ़ोन से? हाँ, लड़के अगर आएंगे तो वो कोशिश करेंगे यार कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेल्फी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। अगर लड़कियाँ आती हैं तो वो उस पर कोशिश करती हैं कि हमें पिंक, पर्पल, रेड इसके मोबाइल्स कलर्स होने चाहिए। ऑल्दो डिफरेंट ब्रांड्स के अंदर अब तो गोल्ड, शैम्पेन गोल्ड, पिंक गोल्ड तकरीबन आ चुके हैं, ये मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स में एप्पल में आ चुके हैं, सैमसंग के अंदर आ चुके हैं, हुआवे के अंदर आ चुके हैं, ये वो कलर्स हैं जो लड़कियों अंदर डिमांड करते हैं। सर, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें मार्केट में, यकीनन जो नौजवान लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, वो आपसे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए आते होंगे, उनके बिहेवियर के बारे में बताइएगा। क्या वो प्राइस को मद्देनजर रखते हैं, क्या वो स्पेक्स को मद्देनजर रखते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे होते हैं यंग जनरेशन, या वो पढ़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, उनका कैसा बिहेवियर है मार्केट में नौजवान लड़कियों का और लड़कों का स्पेशली? हाँ, लड़कियाँ जब मतलब परचेज़ करती हैं मोबाइल तो वो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करती हैं मोबाइल्स के ऊपर, वो चाहती हैं कि हमें कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ मिल जाए। जिस तरह अगर हवावे की हम बात की जाए, ओप्पो की बात की जाए, इनफिनिक्स बहुत अच्छी ब्रांड है, इनकी बात की जाए, शॉमी बहुत अच्छी ब्रांड है, तो ये कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी आपको प्रोडक्ट देती है, जिसके अंदर बहुत अच्छे स्पेक्स हैं, रैम बहुत अच्छी है, बिल्ट इन मेमोरी बहुत अच्छी है। जिस तरह एक और मतलब एक अलकैटल मार्केट के अंदर इन हो चुकी है, अब इसमें एक बहुत अच्छा फ़ोन है आइडल 3 के बारे में मतलब आपको बताऊंगा, 24,500 की प्राइस के अंदर है, लेकिन उसकी बिल्ट इन मेमोरी बहुत अच्छी है, रैम है, 4G LTE है, बहुत अच्छे फ़ोन बना रहा है। तो ये कि जितने भी हमारी यंग जनरेशन हैं, लड़कियां, लड़के हैं, इनकी वो डिमांड ये जो लोकल ब्रांड्स ये पूरी करते हैं। सर, मार्केट में नए फोन्स तो हैं ही, हम सेकंड हैंड फोन्स की भी बात कर लेते हैं, कुछ लोग सेकंड हैंड फोन्स भी खरीदना चाहते हैं और जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी ट्रेंड है, और जो सेकंड हैंड फोन खरीदना चाहते हैं वो क्या स्पेशली देखते हैं ऐसे फोन्स में, क्या स्पेक्स ढूंढना चाहते हैं?
स्पेक्स ऑलमोस्ट वही होंगे जो मतलब न्यू में है, यूज़ में वही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो चाहते हैं कि जो 1 वीक यूज्ड फ़ोन मिले हमें, 1 मंथ फ़ोन मिले। उसमें ये होता है अगर 20,000 का एक नया फ़ोन है तो मार्केट के अंदर वो यूज़ होना आपको ईजीली एक फ़्रेश पीस आपको 15,000 की रेंज मिल जाता है। उन कस्टमर के लिए ज़्यादा चॉइस प्रेफर करते हैं कि अगर 20,000 है तो मैं 20,000 क्यों एक्सपेंस करूँ, मुझे 15,000 रेंज में चीज़ मिल जाती है, ये चीज़ है तो वो अवेलेबल होती है। लेकिन फिर वो कस्टमर बड़ा मुश्किल होता है कि चीज़ को कुछ खुले रिपेयर भी होते हैं, कुछ नॉन वारंटी होते हैं, तो फिर वो काफ़ी मुश्किल होता है कस्टमर को परचेजिंग करने में। ये चीज़ है सर, हमने नौजवान लोगों की बात की, फिर हमने कुछ एजेड लोगों की बात की, बिजनेसमैन क्लास की बात, बच्चों के बारे में बताइएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी आजकल हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटी एज के जो बच्चे हैं, वो भी फोन का इस्तेमाल उनमें बढ़ता जा रहा है, उनकी कैसे रिक्वायरमेंट है? क्या वो गेम्स के अकॉर्डिंगली फोन को जो है वो देखते हैं या और भी स्पेक्स को? डेफिनेटली कैमरा वगैरह को भी। टीनएजर जो बिलो 15 to 20 के करीब आते हैं वो फ़ोन पे कम फोकस करते हैं, वो अपने टैब्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आईपैड्स और टैब्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सर, एट द एंड ऑफ द शो आप क्या एडवाइस करेंगे टू डिफरेंट कस्टमर्स इन कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया कि वो अगर मार्केट में जाते हैं उन्हें किस तरह की चीज़ें जो है स्पेशली फोकस करना चाहिए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं? मैं अपने सारे कस्टमर्स को कहूँगा कि जब भी मार्केट के अंदर आएँ तो कोशिश करें कि वारंटीज़ वाले सेट्स लें। वारंटीज़ में ये बेनिफिट होता है अगर आपके मोबाइल में कोई इशू भी हो जाए तो वारंटी में क्लेम हो जाता है, और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करें कि वो चीज़ लें जो एक्सटेंडेड कवरेज भी आती हो, इस तरह में सैमसंग के अंदर आ रही है, हायर के अंदर एक्सटेंडेड कवरेज है, हवावे के अंदर है, और वारंटीज़ भी कोशिश करें, क्योंकि उसमें ये बेनिफिट होता है अगर आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है, वाटर डैमेज हो जाता है, तो वो क्लेम करवा सकते हैं। विदाउट वारंटी अगर आपका बहुत अच्छा इस्तेमाल है, यूज़ बहुत अच्छा है, तो आप विदाउट वारंटी ले लें तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन विदाउट वारंटी अगर आपसे ख़राब हो जाए तो उसके कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई मतलब ये कि सोल्यूशन नहीं है। सैमसंग के डीलर्स हैं जिसके अंदर ग्रीन टेक आ रहा है, MNP आ रहा है, एडवांस टेलीकॉम आ रहा है, एयरलिंक कम्युनिकेशन आ रहे हैं, ये सारे एक्सटर्नल कवरेज सैमसंग के अंदर दे रहे हैं और ऐसे ही हवावे के अंदर भी दे रहे हैं, और हायर के अंदर मतलब एक हमारे पाकिस्तान की लोकल ब्रांड है और मैनुफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है, वो थर्ड फ्रंटी भी दे रहा है, सबसे अच्छी जो ये चीज़ है, क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि पहले इस चीज़ को पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, ये इम्यूनिटीज़ को नहीं दिया जा रहा था यूजर्स को, सो दैट्स अ गुड साइन प्रोवाइड किया जा रहा है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, कीप वॉचिंग फोन वन लाइव।